नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूं पूनम यादव। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत को भौगोलिक आधार पर 6 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें 3 भाग हम कवर कर चुके हैं। उत्तर, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। और पठार किसे कहते हैं? अपने आसपास के सरफेस से ऊंची हाइट रखने वाला, लगभग 600 से 900 मीटर ऊंचा हो तथा सपाट शिखर रखता हो, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो दक्षिण वाले हिस्से को कहा गया है, जिसमें अन्य पठार भी सम्मिलित हैं, जैसे दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का कार्बी एंगलोंग पठार, मालवा का पठार और मारवाड़ का पठार। इसके साथ ही जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, उसको दो बराबर भागों में बांटने वाली श्रृंखला थी नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिनकी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसके साथ ही जो आपके पठार की ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, जो अन्नामलाई हिल्स में पाई जाती है। इसके साथ अमरकंटक, यहाँ की मध्यवर्ती उच्च भूमि सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये सभी थी। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ढाल, पश्चिमी ढाल है वो तीव्र है, और पूर्वी भाग का ढाल है वो मंद पाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में, तटीय मैदान के बारे में और द्वीप समूह के बारे में। तो आज हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल यानी मरुभूमि, जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं मिलती है या वहाँ पर जल की मात्रा नहीं मिलती है। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश प्राप्त करता हो, कम वर्षा की प्राप्ति करता हो, ऐसे क्षेत्र को मरुस्थल कहा गया है। भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो भारत में जो ठंडा मरुस्थल है, वो लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है, यानी बर्फ वाला जो मरुस्थल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल। इसके साथ ही गर्म मरुस्थल होते हैं, वो रेत वाले मरुस्थल होते हैं, जिन्हें भारत में थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मरुस्थल क्या होते हैं? यहाँ पर तापांतर उच्च मिलते हैं, यानी यहाँ के दिन और रात के तापमान में अंतर अधिक दिखाई पड़ता है। जैसे दिन के समय यहाँ के तापमान है वो अधिक होते हैं, और रात के समय यहाँ के तापमान है वो बहुत ही कम मिलते हैं, यानी न्यूनतम। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्थल के भाग होते हैं, स्थल के टुकड़े होते हैं। जो स्थल का भाग होता है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इसी के कारण से ये जो मरुस्थल हैं, यहाँ पर तापांतर उच्च पाए जाते हैं। जो दिन का समय है, वो सूर्य के प्रकाश को अधिक प्राप्त करते हैं, और रात्रि में ये ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर तापांतर उच्च मिलते हैं। यहाँ पर वनस्पति है वो कम मिलती है। ठीक है, वनस्पति का आवरण यहाँ कम मिलता है। यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति कम होती है, जो मैंने बताई दी आपको कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक ठंडा वाला और एक गर्म वाला। तो ठंडा मरुस्थल हम पढ़ लेते हैं, लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, तो लद्दाख मरुस्थल है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाया जाता है। हमने हिमालय का डिवीज़न जब किया था, हिमालय के बारे में जब पढ़ा था, तो इसकी जो सतत श्रेणियां थी, यानी कंटिन्यूस सीरीज में जो फैले हुए पर्वत थे, उनको हमने पढ़ा था, यानी ट्रांस हिमालय की जो शाखाएं पड़ी थी, उसमें लद्दाख, कराकोरम, ये श्रेणियां पड़ी थी। तो सबसे ऊपर यहाँ पर पाई जाती है श्रेणी कराकोरम। ठीक है, और इसके बाद पाई जाती है लद्दाख। कराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच में जो पाया जाता है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है लद्दाख। कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में पाए जाने वाले क्षेत्र को ही लद्दाख मरुस्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डेजर्ट निर्मित हुआ है, वो किस कारण से हुआ है? सबसे पहले तो ये स्थान है, इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, 3600 से 4600 मीटर हाइट रखता है, यानी तिब्बत जो पठार है, उसके, तिब्बत का जो पठार कहा जाता है, उसी एरिया पर ये लद्दाख रीजन स्थित है। ठीक है, तो इसकी हाइट है वो सबसे ऊंची है, यानी 3600 से 4600 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, उसके ऊपर स्थित है लद्दाख वाला रीजन। तो ऊंचाई अधिक होने के कारण से यहाँ पर तापमान है वो कम मिलते हैं। ठीक है, और कम तापमान मिलने के कारण से यहाँ की पवने हैं वो किस प्रकार की हैं?
ठंडी है, यानी जो ठंडी पवने होती हैं उनमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो नहीं होती है, और जलवाष्प कम होता है इसके कारण से ही वे पवने वर्षा नहीं करा पाती हैं। इस कारण से यहाँ पर वृष्टि की मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, एक ये वाला रीजन है जहाँ यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब यहाँ जाती हैं तो ये जो श्रेणी है हमारी लद्दाख श्रेणी, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये क्षेत्र तो वर्षा को प्राप्त कर लेता है, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है यानी लद्दाख वाला रीजन है वो वर्षा प्राप्त नहीं करता है, यानी ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो यह कारण है कि यहाँ इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। और दूसरा कारण है यहाँ पर कि ये उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो हवाएं हैं जिनको हम ध्रुवीय पवने कहते हैं, तो ध्रुवीय पवने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होती हैं, फ्रीजिंग विंड होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं और जलवाष्प ये उठा नहीं सकती हैं, इसके कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसी के कारण से ये वाला रीजन है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है और इसी से ये मरुस्थल बना है। यहाँ पर प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा है वो 9.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्षेत्र कम तापमान रखता है। यहाँ का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है, नोट कर लो इसको, द्रास है वो भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है, कोल्डेस्ट प्लेस है भारत का, तो फर्स्ट है और वर्ल्ड का ये सेकंड है। विश्व का फर्स्ट है वो साइबेरिया रीजन है, और दूसरे नंबर पर भारत का द्रास वाला रीजन है वो कोल्डेस्ट प्लेस है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तापमान की प्राप्ति है वो कम होती है, या द्रास रीजन यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। 1986 में यह क्षेत्र ठंडा घोषित हुआ था। इसके साथ यहाँ के जो टेम्परेचर होते हैं वो गर्मी का जो रीजन होता है उसमें दिन के समय 8 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के समय -22 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। इट मीन्स यहाँ गर्मियों में भी ये प्रदेश इतना ठंडा, मतलब गर्म नहीं हो पाता है, ये क्षेत्र कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तो ये क्षेत्र है ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ मरुस्थल विद्यमान है। इसके साथ आता है भारत का थार मरुस्थल, जो दक्षिणी पंजाब में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में, राजस्थान में और उत्तरी गुजरात में तथा पाकिस्तान में, ये वाला रीजन है, ये क्या है, थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो थार डेजर्ट भारत में, भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है, तो इसका मैक्सिमम भाग है वो भारत में फैला हुआ है, और इसका 15% हिस्सा है वो केवल पाकिस्तान में है। 85% हिस्सा थार डेजर्ट का है वो भारत में आता है। ठीक है, भारत के चार राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, और पाकिस्तान के दो राज्य यानी पंजाब और पाकिस्तानी सिंध, सिंध और पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं थार डेजर्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कोड है वो BWH है, मीन्स ये गर्म डेजर्ट है, उष्ण मरुस्थल है। इसके साथ ही लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ के डेजर्ट, यहाँ पर कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है क्लाइमेट का, उस आधार पर नाम दिया गया है DW&d। ठीक है, यानी एक्सट्रीमली ड्राई रीजन है यहाँ का। इसके साथ आते हैं अब थार डेजर्ट के ऊपर, तो थार डेजर्ट में भारत के चार राज्य आते हैं और पाकिस्तान के दो प्रांत इसके अंतर्गत आते हैं। अकेला राजस्थान वाला रीजन है वो 61% हिस्सा है वो थार डेजर्ट का रख रहा है। ठीक है, यहाँ जो पाकिस्तान में जो थार डेजर्ट है उसको स्थानीय भाषा में रोही कहा जाता है। थार डेजर्ट का नामकरण है वो थाल के कारण से पड़ा है, यानी पाकिस्तान में जो रेत के गलियारे होते हैं इस प्रकार से फैले हुए, जो पवन जो स्थलाकृति निर्मित करती हैं उसी के कारण से ये प्रदेश निर्मित हुए हैं, जिन्हें कहा जाता है थाल, और इसी आधार पर इस डेजर्ट को कहा जाता है थार का डेजर्ट।
ठीक है, यहां पर वर्षा प्राप्त होती है 150 mm या फिर 15 cm यहां बारिश होती है। राजस्थान के जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसलमेर में सबसे ज्यादा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और श्रीगंगानगर, ये रीजन है जो राजस्थान में थार डेजर्ट का भाग रखते हैं। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे भारत का महान मरुस्थल भी माना जाता है। मुख्य रूप से भारतीय जो उत्तरी मैदान है उसी का ये हिस्सा है और यहाँ की जो चट्टाने हैं वो लगभग कैसी हैं, पठारी रीजन के जैसी ही भाग हैं, पठार के जैसी ही यहाँ के स्थलखंड पाए जाते हैं। लेकिन ये जो पठार वाले स्थलखंड हैं इनके ऊपर अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के स्वरूप है ये भूभाग है, इससे रेत के कणों का निर्माण हुआ है। तो अपक्षय क्या होता है, जब चट्टाने अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं, ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है, ऐसे प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। और जो अपक्षय के द्वारा टूटी हुई चट्टाने हैं उनको जो ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, इन चट्टानों के टूटे हुए खंडों को, उसे कहा जाता है अपरदन, ठीक है। तो यहाँ पर पवन प्रक्रम कार्य करता है और अपने साथ में निलंबित करके या उड़ाकर ये रेत के कणों को ले जाकर के दूसरे स्थान पर जमाव करती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, बरखान जैसी शिलाकृति बनती है। ये अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है बरखान, ठीक है। और यहाँ की जो चट्टाने हैं वहां पर छत्रक आकृति देखने को मिलती है इस प्रकार से। जब पवन दो प्रकार से किसी चट्टान के ऊपर बल लगाती है तब ये चट्टाने नीचे से कट जाती हैं और ऊपर की जो शिलाकृति है वो हमें दिखाई देती है, एक छत्रक नुमा, तो इसे कहा जाता है छत्रक, ठीक है। भारत का जो मरुस्थल है यानी थार का जो डेजर्ट है वहां पर वनस्पति बहुत कम मिलती है, जीव जंतु कम मिलते हैं, लेकिन अगर अन्य मरुस्थलों की तुलना यहाँ पर की जाए तो विश्व के जितने भी डेजर्ट हैं वहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। वैसे हम देखते हैं तो मरुस्थल में जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर सभी मरुस्थल की तुलना की जाए तो भारतीय मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा हरा भरा मरुस्थल है। ऐसा नहीं है कि मरुस्थल सारा हरा भरा है, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जहां पर वनस्पति अधिक है, यानी डेजर्ट वाला एरिया है जहां पर वनस्पति अधिक मिलती हो, ऐसा स्थान केवल थार का डेजर्ट ही है। इसके अलावा जो विश्व के अन्य मरुस्थल हैं जैसे सहारा डेजर्ट है, यहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है और यहां पर वनस्पति और जनसंख्या है वो कम मिलती है। तो देखिए विश्व के उष्ण मरुस्थलों में केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से नौवां स्थान है, और उष्ण व शीत जो डेजर्ट हैं उन दोनों की दोनों को अगर सम्मिलित किया जाए तो भारत है वो भारत का जो थार डेजर्ट है वो 17वां बड़ा मरुस्थल है। तो यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। अभी बताया जैसे रेडक्लिफ रेखा भारतीय थार मरुस्थल और पाकिस्तान के मरुस्थल को अलग करती है। पाकिस्तान में थार के जो मरुस्थल है उसको चेलिस्तान या थाल या स्थानीय भाषा में उसे रोही कहा जाता है, ठीक है, जो वहां के दो प्रांतों में फैला हुआ है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 90% दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जुलाई के सीजन में होती है। और ये क्षेत्र डेजर्ट क्यों बना है, क्योंकि जो अरावली हिल्स हैं यहाँ की वो दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आती है उनके समानांतर फैली हुई है, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो पौने हैं वो इनके समानांतर निकल जाती हैं, इस कारण से ही यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर दिन और रात के समय तापमान कम, रात के समय तापमान कम होते हैं और दिन के समय यहाँ पर अधिक तापमान होते हैं, इट मीन्स यहाँ पर तापांतर बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस मरुस्थली प्रदेश का सामान्य ढाल है वो उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व की ओर,
मीन्स दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है, जो मरुस्थल है। यहाँ की जो नदियां हैं वो सभी अंतस्थलीय प्रवाह रखती हैं, मीन्स ये नदियां जब चलती हैं तो मार्ग में ही ये विलीन हो जाती हैं। जो रेत वाला हिस्सा है वहां पर ये नदियां विलीन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मौसमी नदियां हैं। ये नदियां मौसमी नदियां होने के कारण से यहाँ पर जल की प्राप्ति इन नदियों में कम मिलती है, और ऊपर से यहाँ के जो भाग हैं वहां पर रेतीला धरातल पाया जाता है। रेत में ये नदियां क्या कर देती हैं, पानी जल्दी सोख लेते हैं, और इसी के कारण से यहाँ की नदियां हैं वो मार्ग में ही विलीन हो जाती हैं। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं वो लूणी, कांतली, घग्गर, साबरमती, ये सभी नदियां यहाँ पाई जाती हैं। मरुस्थली भाग में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसा क्यों? यहाँ की जो चट्टाने हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ की चट्टाने हैं वो लवणीय हैं, ठीक है। यहाँ के जो खनिज हैं वो लवणीय पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। और वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होने के कारण से जो ऊपरी सरफेस वाले जो खनिज लवण होते हैं वो घुलकर नीचे नहीं जा पाते हैं, और इसी के कारण से यहाँ खनिज लवण की मात्रा है वो अधिक है, और इसी के कारण से यहाँ मरुस्थल वाली मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वनस्पति अधिक मिलती है, ठीक है, बजाय की अन्य मरुस्थलों के। गुजरात के कच्छ के रण का क्षेत्र, देखो गुजरात का जो कच्छ का रण क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र पाया जाता है लगभग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुद्री जल है वो 8 से 10 महीने यहाँ तक भरा हुआ होता है, और वो मरुस्थल जो मरुस्थली रीजन है उसको सफेद मरुस्थल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो समुद्र वाला जल होता है ये कच्छ के रन वाले एरिया में जब भरा हुआ होता है तो ये सफेद नमक की चादर यहाँ ऊपर हमें देखने को मिलती है, जिस कारण से यहाँ कच्छ के रन वाले क्षेत्र को कहते हैं क्षारीय मरुस्थल या फिर सफेद मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। बालू मिट्टी की अधिकता मिलती है, और यहाँ पर मरुद्यान देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं? ये बड़ा रीजन है जैसे मरुस्थल वाला, और इसमें कहीं बीच में ऐसा स्थान की जो जिसका जल स्तर ऊंचा हो, मीन्स वहां जहां धरातल पर पानी की उपलब्धता हो जाती हो, इस ऐसे स्थान पर क्या होता है घासे और या फिर चारों तरफ कोई पहाड़ी वाला रीजन हो जहां पर वर्षा की मात्रा होती अधिक प्राप्त हो जाती है, और दूर दूर तक जो मरुस्थल फैला हुआ है उसके बीच में एक उद्यान सा हमें दिखाई देता है, एक वाटिका, एक उपवन हमें दिखाई देता है, उसे बोला जाता है मरु उद्यान या मरु कुटीका, ठीक है। यानी मरुस्थल के बीच में कोई हरा भरा रीजन जो उपवन जैसा दिखता हो उसे मरु उद्यान कहा जाता है। तो ये थार डेजर्ट की विशेषता है, यहाँ पर मरु उद्यान भी पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति का जो प्रकार है वो यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जैसे थोर, नागफनी, बबूल, कीकर, ये सभी वनस्पति यहाँ मिलती हैं। ऐसा क्यों? यहाँ की ये वनस्पति है इन पे कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। कांटे पाए जाने के कारण से ये जो वनस्पति है ये वाष्पोत्सर्जन कम करती हैं, और इसी के कारण से ये वृक्ष हैं वो काफी समय तक जीवित रहते हैं। इन वृक्षों की जड़ें हैं वो लंबी मिलती हैं, और पत्तों के ऊपर यहाँ नुकीले कांटे पाए जाते हैं। यहाँ का एक जैसलमेर स्थान है जहाँ पर एक अक्कलवुड फॉसिल पार्क, पाया जाता है जैसलमेर में, ठीक है। तो ये था मरुस्थल वाला भाग। दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं भारत में, एक रेत वाला मरुस्थल जिसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और एक बर्फ वाला मरुस्थल जो कि उत्तरी लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। जो थार डेजर्ट है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार है तटीय मैदान के बारे में। तो मैदान क्या होता है?
जो धरातल का हिस्सा होता है जहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर हम वनस्पति को उगा सकते हैं, ठीक है। तो समुद्र से लगता हुआ जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है, जो कटाफटा रीजन है, उसे ही तटीय मैदान कहा जाता है। तो भारत के तटीय मैदान का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा हुआ है। जो नदियां हैं अपने साथ में अवसाद बहा कर ले जाती है और इसके जो तट वाला रीजन है वहां पर जमा कर देती हैं, तो वहां मिट्टी की प्राप्ति होती है और ऐसे ही भाग को क्या कहा जाता है, तटीय मैदान कहा जाता है। तो भारत के तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम में अरब सागर के रूप में और बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे लगता है, ठीक है। तो पश्चिम में जो इसके किनारे पर स्थित जो दो भाग हैं, बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ तटीय रीजन और इसका अरब सागर से लगता हुआ रीजन, तो पश्चिमी जो भाग है वो काठियावाड़, कोंकण तट तथा मालाबार तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय जो तट है, तटीय मैदान है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग। तो जो ये पश्चिमी भाग है इसकी चौड़ाई है वो कम है और ढाल तीव्र है। इसके साथ ही जो पूर्वी हिस्सा है उसका ढाल है वो मंद है और इसकी चौड़ाई है वो अधिक है। इसके तटों को यहाँ के जो राज्य लगे हैं उनके नाम पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पश्चिमी तट के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है, यानी गुजरात वाला जो तट है, दादर एंड नगर हवेली से लेकर के ये मुंबई तक वाला एरिया, इसे कहा जाता है काठियावाड़ तटीय मैदान, तथा मुंबई से लेकर के गोवा तक वाले मैदान को कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक वाले रीजन को कहा जाता है मालाबार तट, या फिर इसको हम केरल तट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कोंकण तट है या इसे गोवा तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम पूर्वी तट की बात करें तो ये 500 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। उड़ीसा तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। केवल उड़ीसा तट की बात करें तो इसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और इसके साथ ही जो तमिलनाडु तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काठियावाड़ का मैदान, इसके साथ जो तटीय मैदान कोंकण तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो एवरेज जो चौड़ाई है वो 165 किलोमीटर है, ठीक है। तो काठियावाड़ मैदान है वो कच्छ का मैदान और दमन एंड दीव तथा मुंबई तक वाले जो तट है उसे कहा जाता है काठियावाड़ का मैदान, ठीक है। गोवा मुंबई से लेकर के गोवा तक वाले मैदान को कोंकण तट के नाम से जानते हैं और आगे केरल तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इस तटीय हिस्से के जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वो लगभग अधिक चौड़ा है, और जब गोवा वाला तट है वो कम चौड़ाई रखता है, मतलब संकरा है, और दक्षिणी भाग है वो फिर से चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ पश्चिमी जो घाट है इसकी जो ढाल है वो तीव्र है। यहाँ की जो प्रवाह करने वाली जो नदियां हैं उनका बहाव या फिर उनका प्रवाह मार्ग भी तीव्र होता है, और इसी के कारण से ये नदियां यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। अब ये क्या होता है ज्वारनदमुख, जब नदियां यहाँ पर प्रवेश करती हैं तो एक संकरी जो नलिका के माध्यम से समुद्र में विलीन होती हैं, और वो जो संकरी खाड़ी एक बनती है यहाँ तटीय क्षेत्र पर, उसी तटीय जो खाड़ी है उसी में जो समुद्र का जल है वो भी प्रवेश कर जाता है, और नदी का जल भी यहाँ नदी इस मार्ग से नदी का जल भी समुद्र में विलीन होता है, और जब ज्वार आते हैं तब समुद्र का पानी भी यहाँ तट की ओर आता है इन्हीं संकरी नलिकाओं के माध्यम से। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है,
एस्चुरी कहा जाता है। तो एकमात्र अरब सागर में गिरने वाली नदियां या फिर पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली जो नदियां होती हैं वो ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं। यहाँ पर अत्यधिक लैगून झील मिलती हैं। तो लैगून झील क्या होती है? एक ऐसी झील होती है जो खारे पानी की होती है और तट के सहारे होती है, तथा इसमें जो समुद्र का जल होता है वो मिला हुआ होता है। ऐसी झील को क्या कहते हैं? लैगून झील। तो ऐसी झील कहाँ मिलती हैं? केरल तट पर ऐसी लैगून झील मिलती हैं। यहाँ पर इनको स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है, जैसे अष्टमुड़ी कयाल और वेबनाद कयाल, ये केरल वाले रीजन में हमें मिलती हैं। इसके साथ ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ये तीन भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात से मुंबई वाले तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, कोंकण तट इसके दक्षिण में, और मालाबार तट इसके दक्षिण वाले हिस्से यानी कन्याकुमारी तक वाले रीजन को यहाँ कहा जाता है। यहाँ पर जो अन्य ज्वार नदमुख के साथ में यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं। तो कांदला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और कोच्ची बंदरगाह, ये बंदरगाह भी यहाँ मिलते हैं पश्चिमी तट पर। इसके साथ यहां देख लेते हैं पूर्वी मैदानों के बारे में। तो जो पूर्वी हिस्से की जो तटीय मैदान है वो उड़ीसा तट से लेकर के कन्याकुमारी तक वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है। उड़ीसा के केवल उड़ीसा वाले तट को यहां आप क्या कहते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश का जो सम्मिलित रूप से जो तट है, कॉमन जो तट है, उसे कहा जाता है उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तथा इसके साथ ही जो दक्षिणी हिस्सा है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, या फिर तमिलनाडु तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। यहां पर लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है, यानी यहां पर गर्मी में यह क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है और सर्दी में भी यह क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है। तो ये अधिकतम वर्षा ये क्षेत्र सर्दियों में प्राप्त होता है। लौटती हुई मानसून के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। ये क्षेत्र गर्मी वाले जो सीजन होता है उसमें वृष्टि छाया क्षेत्र रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इनके जो पश्चिमी घाट वाली पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आती है तब इन पहाड़ियों से टकरा कर बारिश करती है, तथा इसके जो पूर्वी वाला हिस्सा है यानी तमिलनाडु तट है वो वृष्टि छाया क्षेत्र रहता है, और इसी के कारण से यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। और लौटते हुए मानसून के द्वारा ये तट क्या होता है? पर्वतमुखी ढाल होते हैं, और इसी के कारण से यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। लौटते हुए मानसून द्वारा सर्दियों में यहाँ वर्षा होती है। तो देखो, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण सैकड़ों नदियों के द्वारा से हुआ है। देखो, मैंने आपको ये बताया कि भारत का जो दक्षिणी भाग है यानी पठारी रीजन है उसका ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। तो लगभग जितनी ज्यादा से ज्यादा नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, यानी पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की तरफ बहती हुई आती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इसके साथ अन्य भी छोटी नदियां हैं जो भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। पश्चिमी भाग की तरफ जाने वाली केवल नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियां हैं, माही, लूणी, साबरमती, जो कि मौसमी नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, और इसके साथ में नर्मदा और ताप्ती नदियां ही केवल ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि वहां का ढाल कैसा है? तीव्र है, खड़ा हुआ ढाल है। और इसके साथ ही जो पूर्वी ढाल है वो कैसा है? मंद ढाल है। इट मीन्स यहाँ पर जब नदियों का मार्ग है वो मार्ग में जब कोई अड़चन नहीं आती है, जब मार्ग जब स्लो स्पीड हो जाती है नदी की, ऐसे स्थान पर वो क्या करती है? अपने अवसाद का निक्षेपण करती है। धीरे धीरे जब ये नदियां समुद्र में विलीन होती हैं तो अपने मार्ग अपने साथ लाए हुए तलछट को यहाँ पर जमा करती हैं। तो वो जो क्षेत्र होता है स्थल वाला, जो एक त्रिभुज आकार में जब नदियाँ समुद्र में विलीन होती हैं
तो एक जो स्थल वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है डेल्टा। तो इसी के कारण से यहाँ के मैदानों का निर्माण हुआ है। पूर्वी तटीय नदियां अपने जलोढ़ के निक्षेप के कारण से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये पश्चिमी तट की तुलना में यहाँ पर लैगून झीलें हैं वो कम मिलती हैं। इसके साथ ही यहाँ लैगून झील उत्तरी भाग में ही मिलती हैं, ठीक है, और पश्चिमी भाग में ये लैगून झील है वो दक्षिणी साइड में यानी केरल के तट पर मिलती हैं, ठीक है। उत्तरी भाग में जो मिलने वाली नदियां हैं जैसे चिल्का झील है, यहां सीमा पर पुलिकत झील है। इसके साथ ही देखिए पूर्व तटीय मैदान का विस्तार हुगली नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक स्थित है पूर्वी मैदान का भाग। तो तीन भागों में इसे डिवाइड किया गया है, उत्कल तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, और इसके दक्षिणी हिस्से में जो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तट तक वाले भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके साथ ही हम थर्ड विभाजन करने वाले हैं भारतीय द्वीप के बारे में, ठीक है। तो भारतीय द्वीप में भारत का समुद्री तट काफी तटाफटा नहीं है, फिर भी उसके समीपवर्ती भागों में अनेक द्वीप पाए जाते हैं। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या है वो 1208 है, जिसमें छोटे और बड़े सभी द्वीपों को लगा करके शामिल किया गया है। तो देखो सबसे पहले सुनिए द्वीप क्या होते हैं। तो द्वीप ऐसा स्थल का हिस्सा होता है, जिसके चारों तरफ जल होता है, और बीच में स्थल का हिस्सा होता है जो स्थल से उठा हुआ भाग होता है जहां पर वनस्पति उग सकती है या फिर लोग वहां पर निवास कर सकते हैं। ऐसा स्थान जो पूरे महासागर के बीच में हो सकता है या एक समुद्र के बीच में स्थित हो सकता है। तो भारत में छोटे बड़े कुल द्वीपों को लगा करके 1208 द्वीप मिलते हैं, जिसमें छोटे और बड़े दोनों द्वीप सम्मिलित हैं। तो भारतीय समुद्र तटों पर जो द्वीप हैं वो 245 हैं, ठीक है, जिसमें से 204 द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं, 43 द्वीप हैं वो अरब सागर में अवस्थित हैं। तो भारत के द्वीप समूह को दो श्रेणियों में बांटा है, एक अरब सागर के द्वीप और दूसरे बे ऑफ बंगाल के, यानी अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हमें मिलते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं, और इसका जो पश्चिमी हिस्से में मिलते हैं यानी अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप हैं वो लक्षद्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में डिवाइड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनके बीच में एक चैनल पास होता है 10 डिग्री चैनल, जो इन दोनों को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों सेपरेट होते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो निकोबार द्वीप समूह है इसी के ऊपर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हमने तीन श्रेणियों में बांटा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही जो निकोबार द्वीप समूह है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो है कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार या फिर महान निकोबार। इसी पर स्थित है आपका भारत की दक्षिणतम बिंदु, जिसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, या फिर इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का सर्वाधिक वृद्ध द्वीप समूह माना जाता है। ग्रेट निकोबार को द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये छोटे बड़े जो द्वीप हैं ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा से निर्मित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक चोटी है सैंडल पीक, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, वो ज्वालामुखी है, जो कि नारकोंडम तथा बैरन द्वीप ये यहाँ के सक्रिय ज्वालामुखी के रूप से, सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाने जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किससे हुई है, ये हिमालय की ही श्रृंखला है जो समुद्र के अंदर डूबी हुई है, इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? प्रवाल के कारण से हुआ है। प्रवाल क्या होता है? एक जीव होता है यानी मूंगा होता है। तो मूंगा प्रजाति के जो जीव होते हैं उनके कारण से यहाँ जब ये जीव मृत हो जाते हैं और जब इनका निक्षेपण हो जाता है उसी के कारण से ये द्वीप हैं इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इनका निर्माण प्रवाल जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण से हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है। इन द्वीपों में सवैनीय वर्षा होती है। तो सवैनीय वर्षा क्या होती है? ये अर्थ है 0 डिग्री, फाइव डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में कोई भी क्षैतिज पवन नहीं चलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? जब सन की रेज हमें प्राप्त होती हैं 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में, जब सन की रेज हमें यहाँ प्राप्त होती हैं तो धरातल में ऑलरेडी यहाँ पर नमी होती है और उसी के कारण से ऊर्ध्वाधर सवैनीय धाराएं उठती हैं। हर दोपहर के बाद में यहाँ बादल बनते हैं और सवैनीय वर्षा होती है। तो सवैनीय वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। तो देखो जो लक्षद्वीप है वो 8 डिग्री के आसपास में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी हिस्सा है 6 डिग्री 4 मिनट यानी पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट वाला हिस्सा है वहां पर यहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं और यहाँ पर सवैनीय वर्षा होती है, ठीक है। लक्षद्वीप में बसे जो अन्य जो द्वीपों के अलग अलग नाम हैं तो देखो यहाँ आलिया बेट, कैनरे हेनरे द्वीप, सेंट मरी द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, ये सभी द्वीप यहाँ मिलते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि के पास में केरल वाला जो रीजन है वहां से जो लक्षद्वीप की दूरी है वो 280 किलोमीटर है। केरल के तट के पास में थोरियम और मोनोजाइट, खनिज मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो यहाँ पर 36 द्वीप हैं उनमें से केवल 11 द्वीप ऐसे हैं जिनके अंदर लोग बसे हुए हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं, ऐसे केवल केवल 11 द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पर नारियल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और लक्षद्वीप का एक उपनाम है, इसे सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पर स्थित जो द्वीप हैं उनमें मालदीव सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है, ठीक है। इसी के साथ ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री या फिर 12 डिग्री? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।